डिजिस्ट बने ये और बहुत ही शानदार इनका हमने इंटरव्यू भी लिया था कि बहुत ही शानदार इनका जो रतुआ है वो पोशाक है पहनाव है बहुत ही शानदार बहुत ही देख पा रहे हो आप। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। अब एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ आगे आपकी क्या योजना? मैं आगे भी कंपटीशन में जहाँ कहीं भी होगा राजस्थान में या इंडिया लेवल पे तो मैं जाना चाहूँगा और अपनी संस्कृति सभ्यता को राजस्थान को पूरा इंडिया में बताना चाहूँगा। दोस्तों महेंद्र सिंह जी शेखावत से जान लेते कि ये इनको फर्स्ट विनर घोषित हुए मूच के विजेता के अंदर, तो कैसा लग रहा आपको? बहुत खुशी हो रही है। मैं जब गांव वालों ये सोच के आया था मैं मूच प्रतियोगिता में जा रहा हूँ उनको यदि ये बात सुन के बहुत खुशी होगी सर। अच्छा दोस्तों अपने राजस्थान की आन बान शान जो मूछे और दाढ़ी होती है उनको वो देख रहे हो आप और बहुत ही शानदार इनका लुक है। तो आपका नाम क्या है? श्याम देव कल्ला जी। सर जी नाम क्या आपका? सौरभ आचार्य। कहाँ से आप? जैसलमेर से। बहुत ही सुंदर है आपके दाढ़ी मूछ बहुत ही अद्भुत बहुत ही नज़ारा। दोस्तों एक और नज़ारा देखिए जो अपने राजस्थान की आन बान शान जो दाढ़ी मूछ होती है उसका वो ये देख सकते हो बहुत ही शानदार। तो सुनाओ आपका। मेरा नाम राकेश जांगड़े जी। कहाँ से हो आप? जोधपुर से। क्या लगता है? बहुत अच्छा फील होता है, इससे ज़्यादा रॉयल फील तो आ ही नहीं सकता है सब। किसी के जब शादी होती है तभी इतना ज़्यादा फील अच्छा नहीं कर पाए जितना आज कर पा रहे हैं लोग बाग। नहीं कोई भी बने लेकिन हमने एंजॉय पूरा कर लिया साहब उसको। आज के क्षण को पूरा एंजॉय किया हमने। वो चीज़ें मैटर नहीं करते कौन जीते कौन हारे कोई ना कोई जीतेगा जो भी जीतेगा अच्छी शुभकामना साहब हमारे। बिल्कुल भैया ने बहुत ही शानदार बात बोली है कि जो भी जीतेगा वो अपना रहेगा और ऐसे ही इन सभी से भी उम्मीद करते हैं कि ये भी इस तरह से ही सोचे। मिस्टर डेजर्ट 2022 के जो प्रतियोगिता में भाग लिए थे वो देख सकते हो और बहुत ही शानदार इनका लुक है। तो आपको कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता में भाग लेके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो मर्दों की शान है दाढ़ी और मूछ उसको लेके हम यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए हैं और अपना जो रोबदार मर्दों का जो रोबदार लुक है वो दिखाने का हमको मौका मिला उसके लिए बहुत अच्छा लगा। तो आपको जैसे ही आपकी दाढ़ी और मूछे होते हैं उसको केयर करने के लिए दिन में कितना टाइम देते हो आप? मुश्किल से एक घंटा तो लगता ही है। जितनी बड़ी दाढ़ी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमको आप भी कुछ कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को? मैं यहाँ के जो भी ये प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये हमारी संस्कृति और व्यवस्था बनाए रखे है। हमें बहुत खुशी होती है जब जैसलमेर में आते हैं तो हमें जो भी राजस्थान में प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख पा रहा हूँ इनका जो पहनाव है जो वेशभूषा है बहुत ही अद्भुत है। तो इनसे जान लेते हैं कि आप तो आपका ये जो पहनाव है पहन रखे कपड़े तो उसके लिए आप क्या कहते हो? मैंने टेवटा धोती पहन रखा है धोती जिसे टेवटा कहते हैं जैसलमेर का और जैसलमेरी साफा पहन रखा है जैसलमेरी कुर्ता पहन रखा है। ये जो सारे ऑर्नामेंट्स हैं पहने हुए ये सिल्वर के हैं करीबन 2 से 2.5 किलो चांदी के ये ज्वेलरी हैं जो मैंने आज वेयर की है और करीबन इस मिस्टर डेजर्ट के लिए मैं काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तैयारी कर रहा हूँ और मुझे आज कहीं जाके ये मौका मिला इस कंपटीशन में शामिल होने का। आप भी कुछ अपने बारे में मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैं जैसलमेर में हुए मरु महोत्सव में शामिल हुआ हूं और इस राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मुझे और मौका मिल रहा है। मैं आगे और भी बढ़ाता रहूंगा। मैं रमेश कुमार नाम है, मैं सीकर से आया हूं पार्टिसिपेट करने के लिए और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस राजस्थानी संस्कृति है उसको बढ़ाने का मुझे मौका मिल रहा है इस मरु फेस्टिवल के जरिए। ये नहीं होता तो शायद हम भी ये तैयारी नहीं करके आते। तो ये हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बढ़िया से होना चाहिए। मैं चाहता हूँ विजेता कोई भी हो उसमें विजेता एक होता है जो अच्छा होगा जजेस का निर्णय मान्य होगा अपना होगा। बिल्कुल नहीं जो जजेस का निर्णय मान्य होगा। दोस्तों ये देख पा रहे हो आप जो बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टर जजेस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और आप ये देख रहे हो ये पूरे करीबन मेरे
दोस्तों जो सापा प्रतियोगिता है उसमें जो फर्स्ट विजेता है उनसे जान लेते हैं कि इन्होंने सापा कैसे सीखा और बहुत ही युवा आया। क्या उम्र है आपकी? मेरी 19 साल है। नाम क्या आपका? चंद्रवीर सिंह महेचा। चंद्रवीर सिंह महेचा। अच्छा, तो ये आप इतने 19 साल की उम्र में इतना बढ़िया सापा कैसे किससे सीखे आपने? एक्चुअल में क्या है, मेरे दादाजी साफा बांधा करते हैं तो मैं उन्हीं से ही सीखा। हमारे इसके साथ क्या क्या करो, क्या कर रहे हो अभी आप? अभी सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो। अच्छा, कहाँ से आपकी जो फर्स्ट ईयर, कौन सी जगह? नहीं सर, लोकल शहर से ही है, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है कि ये फर्स्ट जो सापा के अंदर आप फर्स्ट विनर हुए हो, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सही बताया जाए तो। खुशी हो रही है? खुशी हो रही है यार, थोड़ी 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 हो रही है। हो रही है यार, जब शादी पे को खुशी होती है, शादी होती है, ना ना, शादी है, उससे बढ़िया हो रही है। वो तो खड्ड में ना फेंक देना होता है बच्चे, उससे बढ़िया हो रही है, बढ़के ही हो रही है थोड़ी। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो जो विजेता हुए हैं उनसे और इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि इनकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई है। तो ये देख रहे हो, और अब मैं आपको जो मूछ प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे थे और वो विजेता बने थे उनसे मिलाता हूँ। तो जो सेकंड नंबर पे विजेता हुए थे मोहन सिंह जी, जो जैसलमेर बादरिया से हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कैसा इनको खुशी हो रही है इस प्रतियोगिता में सेकंड नंबर पे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, हालांकि मैं विद्यार्थी जीवन से ही साफा बांधता हूँ और मेरी इसके प्रति रुचि रही है, और हाल फिलहाल इसमें मेरी कोई इतनी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन जो हो रहा था मरु महोत्सव का, मैंने भाग ले लिया और साफा बांधा है। तो आपने जो साफा बांधने की जो प्रतियोगिता में भाग लिया, तो वो साफा किससे सीखे वो बता सकते हो? मैं किसी से नहीं, अपनी स्वयं की प्रेरणा से सीखा हूँ। इंटरेस्ट था, हमारी प्राचीन संस्कृति है और मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमारे परिवार में बुजुर्ग जन ये साफा बांधते हैं जैसलमेर संस्कृति का, तो मेरी रुचि थी उसमें और मैंने उसमें प्रयत्न किया। अच्छा, तो अगली बार आप पार्टिसिपेट करोगे तो प्रश्न पे आने की? बिल्कुल, अब की बार मैं मेहनत करूँगा, इसमें मेरी कोई इतनी थी नहीं तैयारी भी, और नाम लिखवाया था, भाग ले लिया, लेकिन अगली बार तैयारी के साथ काम यदि भाग लूँगा तो मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं प्रथम स्थान हासिल करूँ। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो आप जो जैसलमेर में मरु महोत्सव हो रहा है 2022 का, उसका दृश्य देख पा रहे हो। और ये ऑर्नामेंट्स, ये सब तैयारी आपने किस तरह की? सर इसमें मेरे फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट है मुझे, क्योंकि सर मैं बाहर पढ़ाई कर रही हूँ। एक महीने पहले से मैंने उन्हें कॉल की, जिस तरीके से मेरे पास जो भी सोशल साइट्स थी मैंने उनसे हेल्प ली, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, धीरे धीरे करके एक 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 चीज मैंने कलेक्ट की, जहाँ मुझे कमी लगी उस पर भी मैंने काम किया। और देश में क्या संदेश देना चाहेंगे और युवाओं को कि राजस्थान की लोक जो कला है, आपकी जो समय की कला है, संस्कृति है, सबसे मस्त ये है कि जितने भी यूथ है वो गिव अप वाले स्टेज पे रखना चाहिए, लेट्स स्टैंड, जो होगा जो देखा जाएगा, पर एक बार ट्राई तो। क्या करती हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। काहे की? मैं बीए प्लस बी थर्ड ईयर कर रही हूँ। आगे क्या प्लान है आप, मॉडलिंग वगैरह करने का? सर इफ मुझे कोई अवसर मिलता है तो मैं जरूर ट्राई करूंगी, बाकी मेरा पहला फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का।